बच्चों अब हम चलते हैं यहाँ के पशुपालन और यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। वारसो गांव के आसपास जाड़ समुदाय के गड़रिया जाति के लोग निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ों का पालन और बकरी पालन है। हिमालय की ऊंचाइयों पर काफी गर्मी के महीने में रसीली और मुलायम घासें होती है जो यहाँ के भेड़ बकरी और जानवर के चरने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है और इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ों का पालन है जिससे मांस और ऊन प्राप्त होता है। ठंड के महीने में यहाँ के लोग ऊन काटने और कंबल बनाने का काम करते हैं। हिमालय में और भी कई अन्य जनजातियाँ पाई जाती हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में मोटिया जनजाति के लोग भैंस और भेड़ चराने का काम करते हैं। कश्मीर में बकरवाल जनजाति के लोग केवल बकरी चराते हैं। जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग में जो गुर्जर जाति के लोग जो पाए जाते हैं वो केवल भैंस चराने का काम करते हैं। बच्चों अब हम यहाँ के उद्योग धंधे के बारे में जानेंगे। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ बहुत अधिक गिरती है और ये बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ों की ढालों से नदी नाले से होते हुए नीचे बहती है और इस पानी को पाइप के द्वारा नीचे गिराया जाता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। पनबिजली के द्वारा मशीनें चलाई जाती हैं। हिमालय में चूना पत्थर बहुत अधिक मिलता है और इस चूना पत्थर का उपयोग हम सीमेंट के कारखानों में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे उद्योग भी हैं जैसे पुराने हस्तशिल्प, कसीदाकारी, हथकरघों से बने हुए कपड़े और शॉल की बुनाइयाँ, लकड़ी की भी तराशी हुई नक्काशी सजावटी सामान बनाई जाती हैं, कागज के लुगदी से खूब ज़्यादा डिज़ाइनर सामान बनाए जाते हैं। हाल ही में आजकल फलों के रस से अचार मुरब्बा के छोटे छोटे कारखाने भी बनाए जा रहे हैं जो यहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिल रहा है।